अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग सब खैर आफियत से होगे। आवाज आ रही है मेरी बेटा? मैंने बोला ही नहीं था तो बेटा आवाज कैसे आएगी? बेटा अब आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जुहेर। जुहेर चचा की तबीयत कैसी है? मुन्ने तेरे मने शेदा मैसेज कर दे। वालेकुम अस्सलाम जैन। वालेकुम अस्सलाम सलेन। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यार जो है वो क्या कहते हैं, दुआ करो तुम लोग, थोड़ी खांसी है। वालेकुम अस्सलाम असद सर, अभी आइसोलेशन में है। सही, अच्छी बात है यार, बस अल्लाह आफियत का मामला करे। वालेकुम अस्सलाम सैयदा सर, लास्ट डे माई वन ऑफ रिलेटिव डाइट बिकॉज ऑफ कोरोना। ओके, इन अल्लाह व इन इलैहि राजिऊन। वालेकुम अस्सलाम आतिक। बगैरता अब्दुल्ला शर्म कर दो। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद। हाँ सही बोल रहे हो यार, वाकई ऐसा है यार पेपर्स का। वालेकुम अस्सलाम। हाँ स्क्रीन स्क्रीन मैंने शेयर ही नहीं की है बेटा, मैं शेयर करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम फाइक। तो मैं कि जैसे आपने बताया था कि फ्यू में सिलिकॉन का रेट ना दो, तो उस बार अजीम इसी था, एवको में सिलिकॉन का रेट ना दिया हो तो कौन सा सबसे पहला वाला अज्यूम करेंगे? मैंने सबसे पहला वाला। तो आपने से कहा है कि थोड़ा हल्का आए सर, वॉशरूम जाने तक खाना ही नहीं मिलता ऐसा इसके। वालेकुम अस्सलाम शुएब। वालेकुम अस्सलाम उसामा। सिस्टर एंड सिस्टर के हस्बैंड को बुखार आ रहा है 4-5 दिन से। अल्लाह सेहत दे मोहम्मद अहमद, अल्लाह सेहत दे जो है तुम्हारी बहन को और तुम्हारे बहनोई को। जी बिल्कुल, 11:30 तक है। वीडियो ओपन कर दें, वीडियो ओपन कर दें। अच्छा सर, एसी के पेपर्स का क्या सीन है बताता हूँ सर। 5:30 से 11:30 तक मुसलसल क्लासेस, इतना जुल्म। ओके, तो टीचर को रिक्वेस्ट कर लिया करो तुम लोग के सर जो है 5 मिनट का ब्रेक देते, 10 मिनट का, तो वो दे देगा। कोई भी इतना जालिम टीचर नहीं है मेरे ख्याल से। लॉ की भी क्लास थी 11 से 1। सही बात है सर, एआरटीटी वाले न खाने का और ना ही वॉशरूम जाने का टाइम। नहाने का, अच्छा। हाँ वालेकुम अस्सलाम तस्मीर। एफसी के पेपर ऑनलाइन पॉसिबल हैं क्या? जी बिल्कुल, एफसी के पेपर ऑनलाइन बिल्कुल हो सकते हैं। अभी 10 मिनट का ब्रेक मिला था आपकी क्लास से पहले। ओके सही है, 10 मिनट का ब्रेक मिला तो था। सर आज आप जल्दी छोड़ रहे हैं? क्यों जल्दी, क्यों जल्दी, क्यों? ऑनलाइन में तो चीटिंग के चांस होगा ना। चीटिंग का क्यों चांस ऑनलाइन में? चीटिंग का नहीं, मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। आप जो दे रहे होगे वो घर से बैठ के दे रहे होगे। सर नमाज नहीं पढ़ी? नमाज पढ़ लें 10 मिनट में सर। बेटा फजर तक टाइम है सर, 6 घंटे में 10 मिनट का क्या फायदा? तो ज्यादा ले लिया करो, कोई मसला थोड़ी है। तुम्हारे टीचर कोई भी जिसकी भी क्लास हो, जैसे लंच टाइम में उसको बोल दो 15 मिनट का दे दे, वो 15 मिनट का दे देगा। डिनर का ही टाइम नहीं मिला? ओके मैंने भी नहीं किया है कसम से। मैं अभी पता, मेरा डिनर का टाइम था अभी, मैं जो है वो नहीं किया। अच्छा एक काम करते हैं, 10:30 से 11:45 तक कर लेंगे ताकि हम लोग डिनर विनर कर लें। सही है सर, दाऊद शाहिद कह रहे थे कि कैंसिल हो जाएंगे। यार देखो, अच्छा अब ज्यादातर बच्चे आ गए तो मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं कि जो है देखो यार, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम्स के ऊपर। अभी तक देखो आईकेप के एग्जाम्स होंगे, एज ऑफ नाउ आईकेप के एग्जाम्स होंगे, ठीक है? अभी तक कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है? मेरी भी सोर्सेज यही कह रही हैं एग्जाम्स होंगे। सही है, अलबत्ता काउंसिल की मीटिंग होनी है, उसमें जो भी डिसाइड होगा वो आई बिलीव कपल ऑफ डेज में या मंडे ट्यूजडे तक पता चल जाएगा तुम्हें, मगर एज ऑफ नाउ एग्जाम्स होंगे। नहीं सर, वो जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था वो सारी चीजें थी। देखो हमारा गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है वो तुम्हें पता है यू टर्न तो हमेशा ले सकती है ना, ठीक है? ये तो माशाल्लाह जो है सितंबर के तो होंगे ना। हाँ सितंबर के यार, बिल्कुल वी आर होपफुल सितंबर के होंगे, ठीक है? मगर अभी तो फिलहाल जून जो है अभी आपका इस पर है ना। तो एज ऑफ नाउ एएफसी की एग्जाम्स इन माई हम्बल व्यू एज पर माई नॉलेज बिल्कुल होंगे। आईसीएमए वाले तरीके से नहीं हो सकते क्या यार? नहीं मुश्किल है यार, मुश्किल है, वो क्वालिटी में फर्क आ जाता है। अच्छा सर
मेरे ख्याल से अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 7-8 मिनट जो है और भी बच्चों का इंतजार कर लिया है। लेट्स मूव ऑन। सर, अगर आप एक बात नोट करो। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट वो फाइल खोलूँ मैं। अच्छा सर, अगर आप लोगों को याद हो, ये मरफानी एंड कंपनी वाला क्वेश्चन था, अगर तुम लोगों को याद हो, ये वाला मैसर्स हसन मरफानी। स्क्रीन शेयर हो गई है ना इबादुल्ला बेटा? जुहैर ही अच्छा था, मुझे फॉरवर्ड करें। अच्छा, ये वाली तस्वीर, चलो सही है सही है, फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा सर, मेरे साथ रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ। अरे आज मेरा भाई यूसुफ आया है, सही है सही है। जुबेर कब से? अच्छा सर सर सर, खुर्रम मुन्ने कहाँ गायब था तू इतने दिनों से? अच्छा यार, आज मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूं, रेगुलर के बच्चों को ना मैं वैसे ही जल्दी छोड़ दूंगा आज। उसकी वजह ये है कि रिफ्रेशर वालों का तुम्हें पता है फीफो एफको करवाना रहा है ना, फीफो एफको करवाना। यूसुफ वाकई वाकई यूसुफ ना करो। अच्छा सर, तो जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने जो है फीफो एफको रिफ्रेशर वालों को करवाना था, तो आज मैं फीफो पीरियोडिक जो है ना करवा के, फीफो पीरियोडिक करवा के जो है क्या कहते हैं, मैं रेगुलर के बच्चों को बोलूंगा आप लोग छुट्टी करो, क्योंकि कल मुझे एक टॉपिक करवाना है डिस्क्लोजर्स का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आज पीरियोडिक फीफो को साइडलाइन पे लगा के ना, फिर मैं रिफ्रेशर की क्लास लूंगा। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि रिफ्रेशर की जो क्लास है उसमें जो है वो क्या कहते हैं, मैं जब परपेचुअल फीफो, पीरियोडिक फीफो, परपेचुअल एब को, पीरियोडिक एब को, मेरे पास आज की क्लास का भी टाइम होगा, कल भी रिफ्रेशर की अलग से क्लास है, तो रात को जो 8 से 11 बजे वाली क्लास होगी ना, तो उसमें हम अच्छे तरीके से जो है ना डिस्क्लोजर्स को पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो अभी रेगुलर के बच्चों सिर्फ ये क्वेश्चन करो, फिर तुम लोग जाओ पार्टी करो। सही है बच्चों? तो सर हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। मैं यार आधा पौना घंटा मैक्सिमम रेगुलर के बच्चों को सिर्फ। जी बिल्कुल, कल मोहम्मद फुजैल मैंने स्पेसिफिकली लगाई है, नहीं बैटर्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बैटर्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सर वॉइस कट रही है यार। सर सुबह 10 से 1 क्यों रखी है FR1 की? यार वो स्लॉट था ना यार। आवाज सही आ रही है बेटा, रीस्टार्ट कर लो वो दूसरे, यार तुम्हारे नेट का मसला होगा बच्चा, बाकी बच्चों को सही आवाज आ रही है। अच्छा सर, तो रिफ्रेशर के बच्चों में आधा पौना, रेगुलर के बच्चों आधा पौना घंटा पीरियोडिक फीफो से देख लो, उसके बाद जो है तुम लोग जाओ, फिर मैं रिफ्रेशर के बच्चों को सिर्फ पढ़ाऊंगा। हाँ, तुम अगर विलिंगली बैठना चाहते हो, ये क्लास लेना चाहते हो, कोई मसला नहीं है, तुम ले लो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। पीरियोडिक फीफो कैसे करते हैं बेसिक्स बिल्कुल करवा रहा हूँ। सही है? अच्छा सर, मैं अब एक काम करो, अब एक काम करो, थैंक यू यूसुफ, अब एक काम करो, ये सवाल को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैसे तैसे भी आता है पीरियोडिक फीफो से करके दो।
इस सवाल को कोशिश करो पीरियोडिक फीफो से करके दो। यूसुफ बाकी घर में कैसे हैं सब? बच्चा नाना कैसे हैं तेरे? सर जल्दी से पीरियोडिक फीफो से करके दो। जल्दी से पीरियोडिक फीफो से करके दो ये सवाल। सर पीपी आपने क्यों? ओके ओके यावर बाबू पीरियोडिक फीफो से सॉल्व करके दो मुझे। मोहम्मद अहमद मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। वो परपीचुअल फीफो से किया था यावर। यूसुफ बोल रहा है तूने 10 किलो वजन कम कर लिया है, क्या ये सही बात है? उस दिन मैं यावर को दुआ दे रहा था, अल्लाह तुझे ओ यानी तू और फले फूले, तो यावर मुझे बोलता है सर ऐसी दुआ नहीं दे, फल फूल के मैं तंग आ गया हूँ। अच्छा जी यूसुफ यावर बोल रहा है कि तुझे गोद से उसने उतार दिया तभी बैठ ये अच्छा था यावर तुमने टाइट 64 पे मारी है यावर बाबू। सर दाऊद शाहिद कह रहे हैं एफसी के एग्जाम कैंसिल है, आईकेप ने डिसाइड कर लिया है, मंडे को नोटिफिकेशन देंगे अकॉर्डिंग टू सर दाऊद शाही। ओके काबिले गौर है कि आप कहाँ से फूलने की हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सर। जुहेर बेटा ये सॉल्व करना पीरियोडिक फीफो से पीरियोडिक फीफो से सॉल्व करें सर, पूरा खुल के कमेंट सुना है। अच्छा जल्दी जल्दी पीरियोडिक फीफो से सॉल्व करो। शाबाश अहमद मुर्तजा बेटा आप दिमागी तौर पे हमारे साथ नहीं है अभी है बेटा, आप भी दिमागी तौर पे हमारे साथ नहीं है। हाँ समीर बेटा पूछो। बच्चे एसिड होते हैं? नहीं बच्चे एसिड नहीं होते हैं क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बच्चे एसिड नहीं होते क्योंकि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। सीधा एक्सपेंस बिल्कुल। अच्छा चलो चलो सही है, अच्छी बात है अच्छी बात है। ये स्क्रीन लॉक कैसे करते हैं? पर वही बच्चे जब कहीं और होते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं। मैं करवा दूं सर? आपने बताया था इंसान एसिड नहीं होते लेकिन शोहर तो एसिड होता होगा ना, बेगम कंट्रोल करती है, बेगम इन्फ्लुएंस करती है कंट्रोल नहीं करती। करो करो शाबाश शाबाश शाबाश, सब लगे पड़े हैं सब लगे हुए हैं शाबाश। देखो यार मैं फिर से बोलूंगा तुम लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो, स्पेशली अपने आप को, ये कोरोना वाला जो सीन है ठीक है उससे बहुत ज्यादा जो है बचो क्योंकि हर बंदे को ये हो रहा है, हर बंदे को हो रहा है।
इवन कि तुम्हें बताऊं, मेरे साथ ऑफिस में बंदा होता है जो है क्या कहते हैं उसको भी, यानी बहुत यंग एज का है, 20 22 साल का। उस बेचारे को भी, यानी आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन जो है वो कोरोना हो गया है। तो बहुत ज्यादा, इवन के मुझे अभी एक बच्चे ने बताया कि जो है एक और टीचर को भी कोरोना हो गया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। इवन के AIIT के भी 4 5 टीचर्स को कोरोना हो गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो और कोशिश करो कि जो है, यानी नमाज नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि देखो इसके अंदर ये है, मैं तुम्हें एक सिर्फ जो है तुम्हारी नॉलेज के लिए और तुम्हारी जो है एक तरीके से जो है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर मैं तुम्हें बताऊं। बिल्कुल, जैसे एक बच्चे ने बताया, शरीफ ताबानी साहब के जो भाई हैं उनका भी इंतकाल हुआ है। यार मसला ये है कि मैं घर से काम जो है ना, वो एक्चुअली तुम्हें पता है मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो मुझे वो मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं और मेरा फाइनेंशियल सेक्टर है, तो इस वजह से मुझे बाजू का जाना पड़ता है। खैर मैं 1 हफ्ते की फिलहाल जो है वो छुट्टी पर हूँ, 1 हफ्ते की फिलहाल ना ऑफिस से छुट्टी पर हूँ। सुना मंडे, हाँ मैंने भी यही सुना है, मैंने भी यही सुना है, मंडे से सख्त लॉकडाउन का मैंने भी सुना है। गलत गलत, तलहा जुबेर 400 यूनिट, यार मेरे ख्याल से गलत है तलहा जुबेर, तेरा आंसर गलत है यार। अभी भी थोड़ी बहुत है, अभी भी थोड़ी बहुत है मुनीब, थोड़ी बहुत है। इसका वही आंसर आएगा जो परपेचुअल फीफो का है। देखो इवन के मैं तुम्हें बताऊं कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह अल्लाह ना करे कि अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है ना, अल्लाह ना करे, तो देखो ये 5 वक्त की जो नमाज हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जैसे तुम्हें पता है कि वो हमारी नाक में या हमारे गले में जाके वो बैठता है सबसे पहले 3 4 दिन शुरू के इनिशियल लेवल पर। तो हम ये जो नाक में पानी डालते हैं वजू करते हुए, या हम जो है ये क्या कहते हैं कुल्ली करते हैं ना, तो इससे भी जो है वजू की बरकत से जो है ना वो जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी के जो है वो वैसे ही जो है खत्म हो जाए। तो अगर जो है क्या कहते हैं कि अगर किसी को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं ना, नो नीड टू गेट वरीड अबाउट दैट। ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, भाप लो, स्टीम लो, ठीक है, सादे पानी का इस्तेमाल करो और अपने आप को आइसोलेट कर दो। ठीक है, क्योंकि हम यानी इस एज में मैं तुम्हें बताऊं, वैसे तो मौत अल्लाह ताला के हाथ में, मगर इस एज पर जो है ना हम लोग ज्यादा वल्नरेबल नहीं है इस कंपेयर टू आर पेरेंट्स और जो छोटे बच्चे हैं। गरारे बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं गर्म पानी के गरारे बिल्कुल। सर गवर्नमेंट यू टर्न लेने में टाइम नहीं लगाती सर, हो गया। अच्छा सर, देखो एक चीज समझो, ये काफी बच्चों ने मुझे जवाब दिया है सर, काफी बच्चों ने मुझे जवाब दिया है, मगर एक चीज जो है वो शायद भूल रहे हैं। देखो बेटा, परपेचुअल फीफो और पीरियोडिक फीफो का आंसर सेम आना था। ठीक है, आई डोंट नो तुम लोग ये उल्टे सीधे जवाब क्यों दे रहे हो। मेरे ख्याल से जो है लेट्स मूव ऑन, मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ, सब बच्चे गौर से देख रहे हैं। हाँ 3,12,000, किसी बच्चे ने जवाब दिया 3,12,000। यावर यावर यार, तस्मीर 3,12,500, 3,12,500 या 3,12,000, मेरे ख्याल से 3,12,500 जो तस्मीर का है, दैट्स द करेक्ट आंसर।
3,12,500, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 3,12,500, दैट्स द करेक्ट आंसर। सर हम इसको फीफो से कर लेते हैं। जैन जुल्फिकार हमारे साथ है या नहीं है? परपेचुअल नहीं, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, कोई भी मेथड हो, कोई भी मेथड हो, कोई भी सिस्टम हो, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में चेंज आता है? कोई भी मेथड हो, कोई भी सिस्टम हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में चेंज आता है? तो मुझे बताओ, मैं टाइम को बचाने के लिए जो मैंने वेटेड एवरेज के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बनाई थी, वही इधर छाप दूं? क्या बोलते हो, वही छाप दूं इधर? बताओ, ये रही ना। क्या बोलते हो, कोई सवाल? मुझे बताओ, कोई मसला? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो है ओपनिंग स्टॉक सारा लिख दिया, मैंने परचेजेस सारी लिख दी और मैंने परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया है। इसमें किसी को कोई मसला? मुझसे बात बात करो। अच्छा अब सर ये टेक्निकल एरिया है जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ। तमाम बच्चों से दरखास्त करूंगा, इधर मुतवज्जे हो। सर आप बहुत गौर से सुनेंगे। अच्छा सर अब जो तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें जो एक जुगाड़ू तरीका बताया था, मैंने जो तुम्हें एक जुगाड़ू तरीका बताया था कि तुम क्या करो, तुम जो है टोटल सेल्स के यूनिट गिन लो और सबको निकाल दो। अब यहाँ ये जुगाड़ू तरीका नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ सेल्स रिटर्न भी है। याद रखो वो जो मैंने तुम्हें जुगाड़ू तरीका बताया था ना, कि तुमने टोटल सेल्स के यूनिट को निकालना है और जो भी शुरू के उन सबको बेचो, यही बताया था ना मैंने तुम्हें। लेट्स से मैंने तुम्हें बताया था कि लेट्स से कि अगर तुमने जो है 1 जनवरी को तुम्हारे पास 10 यूनिट है, 2 जनवरी को तुमने 20 और खरीदे, 3 जनवरी को 30 और खरीदे, तो टोटल 60 यूनिट्स हैं। अब तुम 30 बेचते हो तो तुम क्या करोगे, तुम ओपनिंग स्टॉक वाला निकाल दोगे और पहली परचेजेस निकाल दोगे। फीफो का यही मतलब होता है ना, यही बताया था ना मैंने, या कुछ और बताया था? बताओ, मैंने ऐसा ही बताया था ना। मगर याद रखो जब भी सेल्स रिटर्न वाला सीन होगा ना, तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी। जब भी सेल्स रिटर्न वाला सीन होगा तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी। जब भी सेल्स रिटर्न वाला सीन होगा तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी, आपको अलग अलग लेकर चलना है। आओ सर हम जरा देख लेते हैं, बहुत गौर से हम सब इसको देख रहे हैं। सर अब देखो, मैंने जो पहली सेल्स की है वो 3 जनवरी को की। सर कितने यूनिट्स की हैं? 3 जनवरी को मैंने 50 यूनिट की है 1,000 रुपए में। मुझे बताओ कि 1,000 रुपया रेलेवेंट है, कि 1,000 रुपया मेरे लिए रेलेवेंट है? नहीं सर, हम देखेंगे कॉस्ट कितने वाला, कितने वाला। सर मैंने सेल किया है, सर कब सेल किया है जरा डेट बताएंगे? मैंने सेल किया है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को सेल की है, सही है? 3 जनवरी को सेल की है मैंने। सर सर कितने यूनिट मैंने बेचे? सर मैंने 50 यूनिट बेचे, 50 यूनिट बेचे है ना, 50 यूनिट बेचे है ना, 50 यूनिट बेचे है ना 3 जनवरी को। वालेकुम अस्सलाम अली शेर, 50 यूनिट बेचे है ना, सही है, ठीक है। अब सर देखो मेरे पास 40 है 400 वाले और 100 है 500 वाले, तो इसका मतलब है जो 3 जनवरी को मैंने सेल करी होगी, जो 3 जनवरी को सेल करी होगी, एक मिनट, उसमें 40 400 वाले बेचे होंगे और 10 500 वाले बेचे होंगे। क्लियर है या नहीं है बताओ? ऐसा ही है, कोई मसला, कोई पसूड़ी, कोई सवाल है तो मुझसे बात करो। हाँ रिजवान बोलो, रिजवान बोलो।
अरे बेटा ये समझो, रिफ्रेशर वाले अभी ये समझो, अभी मैं रेगुलर के बच्चों को ऑफ दे दूंगा ये करवाने के बाद, फिर रिफ्रेशर के बच्चों को एबको फीफो वापस से बेसिक से करवाऊंगा। सही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हो? हाँ जा रहे हो? चलो सही। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद जल्दी से बताओ, मैंने 4 जनवरी को 10 यूनिट सेल करें। सर 4 जनवरी को, 4 जनवरी को मैंने 10 यूनिट सेल करें। सर कौन से वाले गए होंगे? 500 वाले ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके बाद क्या किया है बताओ? 200 यूनिट कब बेचे हैं? बेचे कब हैं? डेट बताओ, डेट बताओ, डेट बताओ कब बेचे? 7 जनवरी को। सर 7 जनवरी को मैंने, अब देखो ये बहुत गौर से सुनना, ये तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बेटा तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, ये 40 वाला पूरा चला गया, इस 100 में से 20 गए। देखो ये वाला 10 गया, ये वाला 10 गया, तो इस 100 में से कितने बच गए? 80 बच गए। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि 7 जनवरी को 80 गए होंगे, कितने वाले? 500 वाले। और 120 गए होंगे, कितने वाले? 300 वाले। ऐसा ही है, क्लियर है या नहीं है बताओ? सही क्या, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो, कोई सवाल है तो मुझसे बात कर सकते हो। सर एक रिक्वेस्ट है आपके, अगर कोई बच्चा सवाल करे ना तो आप उसका सवाल एक दफा क्लियरली पढ़ दिया करें सर प्लीज। चलो सही है, मैं जो है उस बच्चे का सवाल जो है, यार असल में बातों का होता है कि बच्चे का ना फजूल सवाल होता है या बहुत बचकाना सवाल होता है, तो बाकी बच्चे भी ना कंफ्यूज ना हो या बाकी बच्चों को भी परेशानी ना हो ना, इस वजह से मैं तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जहां मुझे ऐसा लगा कि बच्चे का ऐसा सवाल है जो सबके लिए बेहतर है ना, तो मैं पूरा सवाल पढ़ दिया करूँ। ठीक है बच्चों? अच्छा जी सर आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद 8 जनवरी को, यूसुफ बेटा मेरे साथ है, 8 जनवरी को सेल्स रिटर्न हुई है 100 यूनिट। 8 जनवरी को सेल्स रिटर्न हुई है 100 यूनिट। 8 जनवरी को सेल्स रिटर्न हुई है 100 यूनिट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये 100 पूरा, ये ऊपर जरा देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में देखो, ये 40 पूरे खत्म हो गए, ये 100 पूरे खत्म हो गए, इस 200 में से कितने खत्म हो गए? 120। ऐसा ही है, इस 200 में से कितने खत्म हो गए? 120। तो पीछे कितने रह गए? 80। जबरदस्त। अब सुनना, अब सर 8 जनवरी को, 8 जनवरी को मेरे 100 यूनिट मुझे वापस आ जाते हैं। 8 जनवरी को सेल्स रिटर्न होती है, 8 जनवरी को सेल्स रिटर्न होती है, 8 जनवरी को सेल्स रिटर्न होती है। तो सर इसने खुद ने बोला हुआ है कि सर ये जो सेल्स रिटर्न है, ये जो सेल्स रिटर्न हो रही है 8 जनवरी को, ये 7 जनवरी वाली सेल्स में से थी, तो मुझे ये तो पता चल गया कि सर ये जो सेल्स रिटर्न होंगी वो इन्हीं सेल्स में से होंगी। अब सर इस सेल्स में से भी पहले कौन सी होंगी? तो जो पहले गई होंगी वही पहले आई होंगी, हम अज्यूम कर रहे हैं, जरूरी नहीं हम अज्यूम कर रहे हैं। तो सर ये 80 पहले गई थी तो 80 पहले आई होंगी, और फिर 120 में से 20 आई होंगी। तो सर मुझे पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपकी बेसिकली सेल्स रिटर्न की वजह से कम होती है, तो आप नेगेटिव में दिखाओगे, आप क्या करोगे? -80 500 वाले और -20 300 वाले। ऐसा ही है, ऐसा ही है बताओ, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, मुझसे बात करो, मुझसे बात कर सकते हो। नहीं करनी बात? यावर बेटा कोई बात नहीं करनी। देखो बेटा आतिक, देखो बेटा आतिक, 100 यूनिट तुम्हारे पास वापस आया ना, तो इसने खुद ने बताया हुआ है ये जो 100 यूनिट आए हैं आतिक बेटा, ये 100 यूनिट जो है ना, ये वाली सेल्स में से आए जो आपने 7 जनवरी को की। मैं नहीं बोल रहा, सवाल में लिखा हुआ है।
अब इन 100 यूनिट में भी दो किस्म के यूनिट्स हैं, दो किस्म के रेट वाले, एक 500 वाले एक 300 वाले। तो सर मैं अज्यूम करूंगा फीफो मेथड पे ही हुए होंगे ये जो सेल्स रिटर्न है, तो 500 वाले 80 पहले आए होंगे और 20 यूनिट 300 वाले आए होंगे, सही है। तो सर आपने ये माइनस में क्यों लिखा? बेटा जब सेल्स रिटर्न होती है तो तुम्हारा ऑब्वियसली सेल्स कम होगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले 10 थी, अगर इसे बात है दो वापस आ गए तो तुम तो ये बोलोगे ना भाई मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 नहीं है वो 8 है, 10 माइनस 2, तभी मैंने इसको माइनस में लिखा है। बेटा एग्जाम में ये लिखने की अजम्पशन नहीं जरूरत, क्योंकि ऊपर मैंने अजम्पशन लिख दी है फीफो, फीफो का मतलब यही होता है बच्चा समीर, बच्चा फीफो का मतलब यही होता है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी के बाद 9 जनवरी का परचेज रिटर्न था, वो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में ले चुके हैं। 11 जनवरी को शॉर्टेज हुई है, कितने यूनिट? अच्छा आप जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सर, 11 जनवरी को जो शॉर्टेज हुई है वो कहां से गई होगी? वो ऊपर वाले माल से गई होगी या सेल्स रिटर्न में से गई होगी? जल्दी से बताओ, जो 11 जनवरी को शॉर्टेज हुई है वो ऊपर वाले माल से गई होगी या सेल्स रिटर्न से गई होगी? सर वो सेल्स रिटर्न से गई होगी, क्योंकि वो आप पहले आए ना, सही है। कितने यूनिट? 10 यूनिट ना, 10 यूनिट 500 वाले 5000, ऐसा ही है, सेल्स रिटर्न गई होगी जबरदस्त, क्योंकि वो पहले आए। अच्छा सर फिर 500 वाले ना, अल्लाह के बंदे उसामा 500 वाले ना, देखो ना पहले 80 वाले ना, ये पहले आए, ये देखो। और फिर 12 जनवरी को वापस, 12 जनवरी को कितनी हुई है बताओ? 12 जनवरी को कितनी हुई है? 5 यूनिट ड्रॉइंग हुई है, कितने वाली? 500 वाली, सही है। नाउ यू वुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि तुम देखो अगर मैं इन सबको टोटल करूंगा ना कि 175 बन रहा है, you would appreciate मैंने तुम्हें क्या बताया था, perpetual FIFO और periodic FIFO का आंसर सेम रहता है, देख लो जाके। perpetual FIFO 170 यूनिट तो सेम ही रहते हैं, ये कितनी है cost of goods sold 63500 है, ऊपर जाके देखो perpetual FIFO में भी 63500 ही आ रही होगी, देख लो ये कल किया था ना 63500 ही आ रही है। एक मिनट सुफियान बात सुनो, बच्चों एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट मुझे दो, एक मिनट मुझे दो, मैं जो है वो तुम लोगों के साथियों सिर्फ एक मिनट दो, अबू बुला रहे हैं, मैं एक मिनट में आया, एक मिनट दो।
अच्छा जी बच्चों आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है? चलो सही है सही है सर, थोड़ा सा भी फर्क नहीं आता, थोड़ा सा भी फर्क नहीं आता सर। 11 जनवरी वाली वापस बता दे, मनीष में बता देता हूँ। मनीष देखो बेटा, 11 जनवरी वाली देखो बेटा, शॉर्टेज हुई है ना। अब तुम देखो तुम्हारे पास कौन कौन से यूनिट्स बचे हुए। यूसुफ बेटा मेरे साथ है। अब तुम देखो तुम्हारे पास कौन कौन से यूनिट्स बचे हुए। तुम्हारे पास ये सेल्स रिटर्न वाले यूनिट्स भी और ऊपर भी यूनिट्स हैं। अब चूंकि फीफो है तो फीफो के अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं, जो पहले आया होगा वो पहले गया होगा। तो अब ये तो जो 8 जनवरी को जो तुम्हारे सेल्स रिटर्न हुए वो जो पड़ा हुआ है माल, तुमने बोला अच्छा यार तुम्हारे पास जो माल बेसिकली जो जाएगा वो पहले ये जो सेल्स रिटर्न हुई है ना उसमें से जाएगा। तो देखो ये जो मैंने 10 यूनिट लिए ना, 80 80 वाले मेरे पास वापिस आ गए थे, ठीक है। 80 वाले यूनिट मेरे पास जो है, 80 500 वाले यूनिट वापस आ गए थे ना, तो मैंने जो है बिल्कुल, तुम कह सकते हो, बिल्कुल तुम कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। तो देखो 10 यूनिट 500 वाले निकाले, फिर ड्रॉइंग भी, जब तक ये 80 यूनिट खत्म नहीं होते ना मैं इनको पहले खत्म करूँ, फिर 20 यूनिट को खत्म करूंगा, फिर ऊपर जो मेरे पास है उनको खत्म करूंगा। सही है बच्चा? आओ क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं। सर मुझे बताओ कितने यूनिट बचे हैं। सर एक तो देखो 80 आए थे वापस, 80 आए थे ना, उसमें से 10 चले गए और 5 चले गए, तो ये कितने बच गए? 65 कितने वाले बच गए? 500 वाले। और 20 कितने वाले? 300 वाले। ये जो सेल्स रिटर्न हुई थी याद है? अरे बेटा देखो 80 वापस आए थे ना, 80 में से 10 और 5 चले गए तो 65 बच गए 500 वाले। और फिर 20 और सेल्स रिटर्न हुए थे, ये 20 मैंने यहाँ लिख दिए। आओ ऊपर आओ, ऊपर देखो 120 चले गए थे, 120 में से कितने बचे? 80, 300 वाले, 80 300 वाले। सही है। अच्छा सर ये रेट तो सेम है, दोनों को मिला के लिख दें, मिला के भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, इन दोनों को मिला के भी लिख सकते हो। बाकी कितने बच गए? 300 700 वाले और 100 400 वाले, 300 700 वाले और 100 400 वाले, 300 700 वाले, 700 वाले और 100 400 वाले। यू वुड अप्रिशिएट द फैक्ट, यू वुड अप्रिशिएट कि तुम्हारा यूनिट्स तो सेम ही होते हैं। ये देख लो 3,12,500। बेटा रिजवान बनाई 200 नहीं, 100 परचेज रिटर्न भी तो भी थी। देखो ये 3,12,500 आ रहे हैं, तुम देखो ऊपर भी 3,12,000, परपेचुअल फीफो में भी 3,12,500 ही है। जबरदस्त 3,12,500 ही आ रहा है, 3,12,500 ही आ रहा है, ये देख लो, ये रहा। क्लियर है? सही है। आओ वैल्यूएशन कर लेते हैं, वैल्यूएशन कर लेते हैं, आ जाओ। अच्छा कॉपी करना चाहोगे? कॉपी करना चाहोगे? कर लो कॉपी कर लो। हाँ यार मैंने तो वो भी नहीं किया यार, मैंने भी डिनर नहीं करा है। अभी बेहतर ये है सब अपने अपने घरों पे करें, सब एक दूसरों से दूर रहें। सारा सही था लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। चलो कोई मसला नहीं है यार, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, तुम्हारा पता है, अगर एक तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर तुम्हारे स्टेप सही है ना, सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से आंसर गलत है ना, तुम्हारे 10 में से है ना सिर्फ 1 मार्क कटेगा, तुम्हें 10 में से 9 मिलेंगे। आंसर गलत होने का सिर्फ 1 मार्क्स कटता है।
सर आगे बढ़े। यावर कॉपी कर लिया। कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, शाबाश। सर नहीं, अभी बच्चों एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जी बिल्कुल मनीष, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सर। आओ वैल्यूएशन देखते हैं, इसमें वैल्यूएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देख लो वैल्यूएशन, फिर चले जाओ रेगुलर के बच्चों। ये वैल्यूएशन देख लो, फिर चले जाओ, फिर मैं रिफ्रेशर के बच्चों को परपेचुअल पीरियोडिक करवा दूंगा। आओ देखो सर, अब यहाँ मजे की बात ये है, यहाँ जो है ना अलग अलग रेट्स पर है, सही समझ रहे हो मेरी बात। ये मैंने कॉस्ट डाल दी, ये मैंने कॉस्ट लिख ली है, क्लियर है, ये मैंने कॉस्ट लिख ली है। अच्छा सर, सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें बताऊं, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताऊं सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। देखो अब यहाँ जो है ना अलग अलग रेट के हैं, तो हर रेट का अलग अलग तुम एनआरवी से कंपेयर करोगे। यानी 500 वाले को तुम इसकी एनआरवी से कंपेयर करोगे, 300 वाले को इसकी एनआरवी से कंपेयर करोगे, इस 300 वाले को भी इसकी एनआरवी। ये दोनों तो एक ही, अच्छा ये मैं मिला के लिख रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट 100 लिख रहा हूँ, सही है, क्लियर हो ना तुम लोगों को, डायरेक्ट 100 कर दिया। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, आवाज आ रही या नहीं आ रही? चलो दशमीर, ओके ओके डन हो गया, सुबह मिलते हैं, सही है ना। ये मैंने 80 और 20 को मिला के, अब देखो अब मुझे एक सर एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। तुम देखो यहाँ जितनी भी एनआरवी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी तुम्हारी चीजें, जितनी भी तुम्हारी जो यूनिट्स हैं, चाहे तुम 500 वाला ले लो, 300 वाला ले लो, 700 वाला ले लो, 400 वाला ले लो, वो सारे के सारे एनआरवी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनआरवी कितनी है, 150 है। तुम्हारी एनआरवी कितनी है, 300 माइनस 150 कितना है, 150। 300 एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, 150 तुम्हारी कॉस्ट ऑफ, 150 ऐसा ही है ना। इसका मतलब है कि तुम्हारे जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं वो अपनी कॉस्ट से कम गए, उनकी एनआरवी कॉस्ट से कम है। तो मैं डायरेक्ट 565 इंटू 150 कर दूं, क्या बोलते हो? डायरेक्ट 565 इंटू 150 कर दूं, क्यों सर आपने अलग अलग? अरे मेरी जान, मैं अलग अलग भी करता ना तो भी यही आंसर था। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, तुम देख लो तुम्हारे जितने भी रेट्स हैं ना वो 150 से ज्यादा के, जितने भी रेट्स हैं वो 150 से ज्यादा के। तो मैं अलग अलग कंपेयर करता तो भी यही आंसर आता। तो मैंने देख लिया, मैंने बोला यार इन 565 यूनिट्स की जो है अगर 150 के हिसाब से वैल्यू करो तो कितना आता, 84,000 आता। 84 पे वैल्यू करना है तो कितने का लॉस है सर? आप बेसिकली खड़े हुए हो, आप खड़े हुए हो 3,12,500 पर, आपको वैल्यू करना है 84 पर, तो कितने का लॉस है, 2,27,750 का, क्लियर है? हाँ बिल्कुल सर, अगर ज्यादा रेट होगा एनआरवी का तो आप कॉस्ट लोगे, बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो सर। इस बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया, इस बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया कि सर अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई रेट जो है वो 150 से कम का होता तो फिर क्या आप अलग अलग रहते? जी बिल्कुल मैं अलग अलग रहता, बिल्कुल मैं अलग अलग लेता, क्लियर है आपको? आगे बढ़े, आगे बढ़े।
कॉपी कर लो। अच्छा यार, अब रेगुलर के बच्चों, अगर तुम हम लोगों के साथ रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ। अभी मैं ये डिनर का ब्रेक दे रहा हूँ 10 से 15 मिनट का, मैं भी कर लूँ, खाना खा लूँ, सही है, तुम भी खाना खा लो, सही है। उसके बाद हम लोग जो है, जो एनआरबी वाले एक दो क्वेश्चंस थे पास पेपर्स के, हम वो करेंगे रिफ्रेशर के बच्चों। उसके बाद पीरियोडिक फीफो, परपीचुअल फीफो, पीरियोडिक एब को, ओ क्या कहते हैं, परपीचुअल एब को जो हमने नहीं पढ़ा था, वो मैं तुम लोगों को करवा दूंगा, सही है। अच्छा कल रात वाली क्लास, कल रात वाली क्लास, कल रात वाली क्लास 8 से 11 वाली क्लास डिस्क्लोजर्स की क्लास है। इस दफा के लिए डिस्क्लोजर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, कल रात की 8 से 11 वाली क्लास मिस नहीं करना। कल रात की 8 से 11 वाली क्लास मिस नहीं करना। सब मुझे ओके करके एक्नॉलेज करो, कल रात की 8 से 11 वाली क्लास मिस नहीं करना। सब ओके लिख के कंफर्म करो मुझे, सब मैसेज कर रहे हैं, कोई हडरामी नहीं कर रहा। चलो जबरदस्त 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 जबरदस्त, अप्रिशिएबल अप्रिशिएबल अप्रिशिएबल। सर कल मैं, आज देखो मैं आज और कल का सर रिफ्रेशर वाली क्लास में, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। सर आप आज अभी जो रिफ्रेशर को आप 1 घंटा पढ़ाएंगे ब्रेक के बाद, और कल जो आपने 4 से 6 रिफ्रेशर की रखी है उसमें आप क्या करवाएंगे? मैं दोनों का मिला जुला के एजेंडा बता देता हूँ। मैं आज एनआरबी के पास पेपर्स करवाऊंगा रिफ्रेशर के बच्चों को, सही है, और फिर अगर आज टाइम मिला तो मैं आज जो मैंने परपीचर और पीरियोडिक फीफो होता क्या है बेसिक्स जो मैंने रेगुलर में करवा दी थी ना, मैं रिफ्रेशर के बच्चों को वो करवाऊंगा। ठीक है, रिफ्रेशर के काफी बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर हमें जो है फीफो एब को जरा बेसिक्स बता दें। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह आज की क्लास में और कल शाम की क्लास में दोनों बराबर हो जाएंगे रिफ्रेशर के बच्चे, तो फिर मैं इंशाल्लाह रात की क्लास में 8 से 11 वाली क्लास में डिस्क्लोजर्स करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी कुछ बच्चे हैं वो 1.4 और 1.5 के पीछे लगे हुए हैं, तो अभी रिफ्रेशर को मैं अलाइन कर दूं तो फिर वो भी करवा दूंगा, सही है। कुछ मैंने रेगुलर में करवा दी है, रिफ्रेशर को करवाना है। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ 15 मिनट का ब्रेक लो, मैं भी जल्दी से जो है वो डिनर कर लूं, तुम लोग भी आ जाओ, अच्छा अच्छा डिनर करो, सही है, अपने अम्मा अब्बा को टाइम दो, फिर ठीक हम लोग 15 मिनट बाद मिल रहे हैं। अभी 10:20 हो रहे हैं, 10:35 पर मिल रहे हैं। ठीक है, रेगुलर वाले बैठना चाहते हैं बैठे हैं, जाना चाहते हैं चले जाएं, सही है, रिफ्रेशर वालों का भी कंटिन्यू करूंगा। खुरम आगे बताता हूँ, आगे बताता हूँ खुरम, सही है, रिफ्रेशर वालों 15 मिनट बाद कंटिन्यू करूंगा मैं, रेगुलर वाले इट्स अप टू यू, अगर बैठना चाहते हो बैठो, नहीं बैठना चाहते तुम जा सकते हो, सही है। चलो फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद।
अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद बच्चों। शुरू करें। जी सर। सर हम लोग एनआरबी के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है सर, आओ एनआरबी के सबसे पहले क्वेश्चंस देख लें हम लोग। मना ही हो नहीं सकता बच्चा। सर क्वेश्चन नंबर वन किया था तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर वन किया क्वेश्चन नंबर वन किया था ये वाला नजर आ रहा है? क्वेश्चन वन किया था? जल्दी जल्दी करो, शाबाश, जल्दी क्वेश्चन वन करो। 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से मुझे स्टॉक की वैल्यू निकाल के दो। जल्दी जल्दी निकाल के दो, शाबाश। अभी का 1 घंटा और कल के 2 घंटे मुझे तुम लोगों को जो चीजें तुम लोगों को नहीं करवाई है ताकि मैं रेगुलर के बराबर तुम्हें कर सकूं, वो मैं करवा दूंगा ताकि तुम लोग जो है सुकून से जो है वो फिर 8 से 11 वाली क्लास में कॉप अप कर सको। जल्दी जल्दी कर लो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन बच्चा, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन जल्दी दी कर लो। ट्राई तो करो बच्चा। मैं करवाऊं? चलो ले लो, 1 मिनट ले लो।
अच्छा जी बच्चों, काफी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया, काफी बच्चों का जो है वो यानी किसी को समझ नहीं आया या किसी ने गलत किया है जो आंसर्स मुझे भेजे हैं। आओ इस सवाल को मैं डिस्कस कर लूं। सर बोलता है, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबीसी लिमिटेड, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 30th September 1998 वो 750,000। देयर वर डाउट्स अबाउट इट्स कंडीशन एंड रियलाइजेबल वैल्यू, इट वाज फाउंड दैट। सर 7.5 लाख का माल हमारे पास था, वैल्यू के हवाले से हमें जो है वो डाउट्स थे कि यार उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कहीं कम तो नहीं है। सही है, रियलाइजेबल वैल्यू कहीं कम तो नहीं है। तो उसके ऊपर जो है वो बेसिकली जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि 7.5 लाख में से 80% माल ऐसा है, 80% माल ऐसा है जो अच्छी कंडीशन में है और जो 25% के मार्जिन पर बिक सकता है। 80% माल ऐसा है जो अच्छी कंडीशन में है और 25% मार्जिन पे बिक सकता है, मार्कअप नहीं मार्जिन। इसी तरीके से 15% माल ऐसा है जो थोड़ा सा खराब है और उसके ऊपर 15% का खर्चा करना पड़ेगा ताकि उसको नॉर्मल प्राइस, जल्दी से बताओ नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है 25% मार्जिन वाली, ताकि वो 25 नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिक सके। नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है 25% मार्जिन वाली। बोलता है इसी तरीके से 5% माल ऐसा है जो डैमेज्ड है वो जो सिर्फ नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 40% फेच करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इधर इन्वेंट्री की कितनी कैटेगरीज है, हमारे पास इन्वेंट्री की 3 कैटेगरीज है, गुड बैड और वर्स्ट। गुड वो है जो 25% के मार्जिन पर बिकेगा, बैड वो है जो नॉर्मल 25% के मार्जिन पर ही बिक सकता है मगर उसके ऊपर 15% का और खर्चा करना पड़ेगा, और बिल्कुल ही बुरी वो है जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस के 40% पर बिकेगा। तो ये हमारे पास सवाल है, आओ हम इसके ऊपर जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सर आप लोगों को स्क्रीन एलिजिबल है, स्क्रीन नजर आ रही, सर टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है 7.5 लाख, बताओ ना 7.5 लाख है ना, बताओ तो। साढ़े सात लाख और कितने कितने हैं, 80%, 15% और 5%, ऐसा ही है कॉस्ट, यही आ रही है। ऐसी आ रही है, अरे सर, अरे दी हुई है बेटा 7.5 लाख की, सवाल में दी हुई है, सवाल में दी हुई है, सवाल में दी हुई है, ठीक है। तो 7.5 लाख का 80% 6 लाख होता है, इसका 15% ये होता है और इसका 5% ये होता है, ठीक है। अब एनआरवी बोलता है ये जो 80% माल है ना ये बहुत अच्छा माल है और ये 25% मार्जिन पर बिकेगा। 25% मार्जिन का मतलब क्या है, जो तुम्हारी कॉस्ट है वो 75% है, तुम्हारी कॉस्ट 75% है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसको मैंने डिवाइडेड बाय 75 किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो मेरे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ गई। कोई कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन है, नहीं कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन कुछ भी नहीं है। एनआरवी कितनी है 8 लाख, बताओ छोटा कौन, कॉस्ट या एनआरवी, वो कॉस्ट, तो 6 लाख पे कोई एनआरवी लॉस नहीं है। क्लियर है बच्चों, 80% वाला क्लियर है बच्चों, 80% वाला क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। आओ 15%,
बोलता है जो 15% माल है ना, इसकी कॉस्ट है ये कैसे आया 7.5 लाख का 15%, ये भी बिक सकता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर, ये भी बिक सकता है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर। नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100। मगर इसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बेचने के लिए, इसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बेचने के लिए कितने का खर्चा करना पड़ेगा? 15% का। अब देखो इधर ये नहीं लिखा हुआ कि 15% किस चीज का है, इधर ये नहीं लिखा हुआ कि 15% किस चीज का है। तो सर हम अज्यूम करेंगे कि ये 15, आप चाहो तो आप कॉस्ट का अज्यूम कर लो, आप चाहो तो इसको सेलिंग प्राइस का अज्यूम करो, आप चाहो तो इसको कॉस्ट का अज्यूम कर लो, आप चाहो तो इसको सेलिंग प्राइस का अज्यूम कर लो, आप चाहो तो कॉस्ट का अज्यूम कर लो, आप चाहो तो सेलिंग प्राइस का अज्यूम कर लो, आप चाहो तो कॉस्ट का अज्यूम कर लो, आप चाहो तो सेलिंग प्राइस का अज्यूम कर लो। का लिखा हुआ है कॉस्ट का है, लिखा हुआ है क्या सवाल में? लिखा हुआ है नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ सवाल में, नहीं लिखा हुआ, तो मैं सेलिंग प्राइस का ले रहा हूं। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ये थी माइनस कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, तो एनआरवी आ गई इतनी। बताओ छोटा कौन, छोटा कौन, छोटा कौन, छोटा कौन? कॉस्ट। तो देखो मैंने कॉस्ट पे रख दिया और कोई लॉस नहीं है, मर्जी ये कॉस्ट का ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं, कॉस्ट का ले लो, मैसेज करके बताओ कॉस्ट का ले लो, आप कॉस्ट का ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा, ये ले लो बेटा कॉस्ट का ले लेते हैं बेटा। ये जो है इसका फॉर्मूला जो है, बच्चे बोल रहे हैं सर कॉस्ट का ले लो बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं बेटा, ये लो बेटा, ये लो बेटा कॉस्ट ले लिया बेटा। इधर मैं अजम्पशन चेंज कर लेता हूँ, अजम्पशन चेंज कर ली बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अल्लाह के बंदे सैयदा मदीहा बच्चा, देखो 80% जो है ना, देखो नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है? 25% मार्जिन। अगर सैयदा मलिया तुमसे कोई पूछा जाता है कि यार तुम नॉर्मली अपना अच्छा माल कितने पर बेचती हो, तुम बोलोगी 25% मार्जिन पे। अब तुम बोलोगी कि यार मेरे पास कुछ ऐसा माल है वो अच्छी, वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ही बिक सकता है, मगर उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होगा? 25% ही होगा ना बच्चा। नहीं नहीं बेटा फराज, दोनों अजम्पशन सही है बेटा, दोनों अजम्पशन सही है, आप चाहो तो कॉस्ट का ले लो, आप चाहो तो सेलिंग प्राइस का ले लो, बस अजम्पशन जरूर लिख देना जैसा कि मैंने लिखी है। आओ अब ये जो 5% है, ये बोलता है सर ये जो 5% है ना, ये बिकेगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 40% पे। सर सबसे पहले तो मैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस कैसे आएगी सर? सर ये 37,500 इसको मैं डिवाइडेड बाई 75 करता हूँ और इंटू 100, तो ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मगर मुझे पता है नहीं सर ये इतने पे नहीं बिकेगा, ये इसके भी 40% पे बिकेगा, 0.4, ऐसा ही है ना। 20,000, तो एनआरवी कितनी है 20,000, वैल्यू कितने पे करेंगे 20,000 पे, लॉस कितने का है 17.5 था। जिन बच्चों का 7,32,500 आया था वो बिल्कुल सही था, जिन बच्चों का 7,32,500 आया था वो बिल्कुल सही था। आगे बढ़े, कॉपी करना चाहोगे? देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, ये बोलता है, ये पढ़ो क्या बोलता है ये, कि 5% जो था वो डैमेज था और वो 40% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस का फेच करेगा, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका 40%, ये पढ़ो, जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका 40%, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 40%। तो सर सबसे पहले मैंने नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाली, सबसे पहले ने मैंने नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाली। नॉर्मल सेलिंग प्राइस बेटा कैसे आएगी? देखो बेटा 37,500 डिवाइडेड बाई 75, क्योंकि 25% का मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितनी आती है निकाल के, तो करके दो कितनी आती है, करके दो ना, अबे भाई करके दो, ये 50,000। मगर ये 50,000 का 40% लो, तो देखो ये 20,000 ही आता है। मनाई बेटा, क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। मनाई रिजवान, रिजवान बेटा, अल्लाह के बंदे 25% मार्जिन है ना रिजवान, 25% मार्जिन में मसला था, हो गया, चलो अच्छी बात है। रिजवान तुझे मार्कअप मार्जिन की मैंने तेरे को वीडियो भेजी थी,
तो मुझे मैसेज करना, मैं तेरे को भेज दूंगा, देख लियो वो। काफी बच्चों को मैंने भेजी है वीडियो, मार्कअप मार्जिन वाली वीडियो, जिसको चाहिए मुझे पर्सनली मैसेज करे, उसको भेज दूंगा कि मार्कअप मार्जिन जो है। हाँ अली शेर तुझे करी थी ना, हाँ जिनको चाहिए मुझे मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा। ग्रुप पर नहीं, पर्सनली भेजूंगा जी। बेट नहीं, मार्जिन का मतलब हमेशा मार्जिन नहीं होता। अगर लिखाओ ना मार्जिन ऑन कॉस्ट तो इसका मतलब है मार्कअप, अगर लिखाओ ना मार्कअप ऑन सेल्स तो इसका मतलब है मार्जिन, वो बता दूंगा, अभी परेशान नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेटा वीडियो भेजता हूँ यावर, मैसेज कर दो। सॉल्व करो ये क्वेश्चन, 6 सॉल्व करेंगे बेटा। कॉपी करना है, मैसेज मैसेज करो, भेजता हूँ, मैसेज करो भेजता हूँ, पर्सनल मैसेज करो। इलाफ का मैसेज आ गया, भेजता हूँ। हाँ मोहम्मद, हाँ मोहम्मद बेटा, और ये वीडियो अल्लाह के वास्ते ग्रुप पे नहीं भेजना, सही है, तुम्हारे भले के लिए भेज रहा हूँ, ग्रुप पे नहीं भेजना, इतना मुझे वो, इतनी मेरी इज्जत रखना, ठीक है, किसी से आगे शेयर नहीं करना, अपने तक ही रखना, सही है। क्वेश्चन 6 सॉल्व करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। सिक्स करो, सिक्स जल्दी करो, शाबाश। ओके मुर्तदा भेज रहा हूँ, रुको अभी भेजता हूँ। अली शेर तेरे को भेजी थी ना, रुक तेरे मैसेज से ही मैं निकाल के देता हूँ। अली शेर बेटा जो तेरे को वीडियो भेजी थी, अली शेर रुको रुको भेज रहा हूँ यार, रुको। हाँ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, रुको रुको रुको, सबको भेजता हूँ। मोहम्मद ये इसको गई, इस बच्चे को भी गई, इस बच्चे को भी गई, अबे एक और में पांच ही जा सकती है। चलो बच्चों, काफी बच्चों को मिल गई होगी अभी तक। पहले ये सॉल्व कर फिर मना ही कॉपी करना। सर मेरे को भी भेज दें, अच्छा अभी भेज देते हैं, ठीक है चलो सही, अच्छी बात है। सही है, और किसको चाहिए मैसेज करो, भेज दिए मैंने, जिन जिन बच्चों का मैसेज आया था उन सबको भेज दिए। इलाफ को भेजनी है, इलाफ को भेज देता हूँ, इलाफ को नहीं भेजी है, कहाँ चला गया इलाफ, ये रहा। सॉल्व करो भाई क्वेश्चन 6 सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे सर, कॉस्ट का बच्चा, जेन का मैसेज आ रहा है, जेन क्या बोल रहा है। इनवॉइस प्राइस की, इन भाई ये जो इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, इनवॉइस प्राइस की है। सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे बेटा, मैं करवा दूं,
मैं करवा दूं? हाँ एक बात तो बताओ, जो तुम एनआरवी निकालते हो वो किस चीज की निकालते हो? जो बचा हुआ माल है उसकी निकालते हो, और जो बिक गया माल है उसकी निकालते हो? जरा मैसेज करके बताओ। जो माल बिक गया है उसकी तो नहीं निकालते ना? चलो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें ये चीज पता है सर, जो बचा हुआ माल है उसकी, क्योंकि जो बिक गया है वो तो मेरा माल अब रहा ही नहीं है ना। जो बचा हुआ है उसकी निकालते हैं, जो बिक गया है उसकी नहीं निकालते, क्योंकि वो तो बिक गया ना भाई, वो तो अब मेरा है ही नहीं ना। यार जो है मासूम से बच्चे हो ना तुम लोग, तो जो है पूछना पड़ता है। अच्छा सर आए सर, ये क्वेश्चन देखें, करवा दूं मैं या कर रहे हो अभी? करवा दो, करो करो शाबाश, जल्दी जल्दी करेंगे, करो करो जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी बेटा। जो सिक्स कर ले वो सेवन और एट करे, जो सिक्स कर ले वो सेवन और एट करे। जो सिक्स कर ले वो सेवन और एट करे। नहीं इतना ही है मोहम्मद अहमद, इतना ही है, मेरा वीडियो देख लो उसमें सब है। हाँ भाई बात करें, इतना ही है, इतना ही है मोहम्मद अहमद, इतना ही है। अच्छा सर, आलम एंड आफ्ताब परचेज शर्ट्स एट रुपीज 200 पर पीस, सर कितने रुपए का मिला है? 200 रुपए पर पीस का मिला है। था एवरेज फ्रेट इज ₹15। सर जो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है ना वो ₹15 का है एक, उस पे एक यूनिट पे, और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है वो 5% है। सर पांच इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट जो है वो 5% है। सर ये 5% किसका है? सर ये आपकी इनवॉइस प्राइस का है। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये भी इनवॉइस प्राइस का है या परचेज प्राइस का है? सही है, तो आप सबसे पहले निकालोगे परचेज कॉस्ट। अच्छा फिर बोलता है इन 1990 परचेजेस वर 30,000 शर्ट्स, बोलता है हमने जो परचेज की 1990 में, 1990 में जो परचेजेस की हैं, 1990 में जो परचेजेस की हैं वो 30,000 शर्ट की हैं, उसमें से स्टॉक में कितनी बची है? 5,000 बची है। ऑफ द लेटर, अब मुझे बताओ मैं 30,000 की बात करूंगा या 5,000? भाई मैं तो 5,000 की ना, क्योंकि बाकी जो 25,000 है वो तो बिक चुकी। अब बोलता है इस 5,000 में से जो है 500 ऐसी थी जो कि 150 पे बिकेंगी,
यानी इसने 5000 के दो टुकड़े कर दिए, 5000 के दो टुकड़े कर दिए, एक 150, एक 500, एक 500 शर्ट्स और एक 4500। अच्छा, 4500 के बारे में कुछ भी नहीं बोला, 4500 के बारे में कुछ भी नहीं बोला, 4500 के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो जल्दी से बताओ, जो 4500 के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, वो कॉस्ट से ज्यादा में बिकेंगी या कम पे बिकेंगी? 4500 यूनिट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, कम पे बिकेंगी ज्यादा पे बिकेंगी? 4500 के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, कम पे बिकेंगी या ज्यादा पे बिकेंगी? सर, ज्यादा पे बिकेंगी, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली 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 एनआरपी ज्यादा होती है। जबरदस्त, इसका मतलब है 4500 के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ तो वो कॉस्ट पर ही वैल्यू होंगी। क्यों? क्योंकि उसकी एनआरवी ज्यादा होगी। आए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये लो, सर सबसे पहले इनवॉइस प्राइस निकाल ली, पर यूनिट 200 थे, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड एक यूनिट का 15, 5% की इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, माशाल्लाह जेन, माशाल्लाह ऑक्ट्रॉय ड्यूटी उसका 5% इनवॉइस प्राइस का, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? अच्छी बात है, अच्छी बात है जेन, 245 पर यूनिट। अब सर मुझे पता है एक 500 यूनिट है और एक 4500, 500 यूनिट कॉस्ट है 1,22,000, 1,22,000 कैसे आई? 245 एक यूनिट की है इंटू 500, तो ये आ गई 1,22,500। सर एनआरवी ये बोलता है भाई, ये जो है 150 में बिकेंगे, 500, 150 पर यूनिट, एनआरवी कितनी है? 75,000। वैल्यू कितने पर करेंगे इन 500 को? 75,000 पे। लॉस कितने का है? 47,500 का। इसी तरीके से सर, इसी तरीके से सर, इसी तरीके से, इसी तरीके से ये जो 4500 थे उनकी कॉस्ट कितनी थी? 4500 जो है इंटू 245। एनआरवी के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये पढ़ लो, एनआरवी के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ज्यादा। एनआरवी जब ज्यादा है और हमें पता है हम लोअर पे रखते हैं तो हम किस पे रखेंगे, इतनी वैल्यू पर रखेंगे। क्लियर है बच्चों? कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। अब एनआरबी पे कॉन्फिडेंस आया, मुझसे बात करो। साढ़े 7,000 का है बेटा, 75,000 ना, ये देखो ना बेटा, खुद बोल रहा है सवाल में, ये जो 500 है वो 150 पर यूनिट पे बिकेंगे, 150 इंटू 500। अल्लाह के बंदे ये देख ले, ये आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। रिजवान बबलू, छापो छापो छापो। हमाद बेटा आप क्लियर हो रहे हैं? हमाद अनवर, छापो बेटा छापो।
ना, कॉस्ट तो सेम होगी ना यावर पगले, कॉस्ट तो सेम होगी ना बेटा। आओ बेटा, आओ बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन सेवन और क्वेश्चन एट सॉल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन सेवन और क्वेश्चन एट सॉल्व करेंगे बेटा। जेन में देख के बता दूं क्या करूं, वैल्यू देखनी है। लो देख लो, सही है, सॉल्व करेंगे बेटा। एट कर लो, एट कर लो। असल में तुम लोगों को मैंने सेवन नहीं करवाना, सेवन तो एट वन जैसा ही है, एट फाड़ूगा, एट करो तो मानो। एट करेंगे बेटा, हो गया एट। हो गया एट, सही बस ताकि बच्चे अपना दिमाग चलाए।
हाँ भाई, अरे बेटा यही तो सोचना है ना बेटा, इसी के ही तो पैसे हैं ना बेटा, इसी के ही तो पैसे हैं बेटा। हाँ बेटा हाँ, जी बिल्कुल फराज सही है। हेलो, कौन बात कर रहा है? इनायत बात कर रहा है। इनायत यार, असल में जो है ना, वो जो रिकॉर्डिंग है ना, वो थोड़ा सा शायद आईटी ग्लिच की वजह से ना थोड़ा सा मसला आया हुआ है रिकॉर्डिंग में ना, तो उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, तो तू मुझे थोड़ा सा टाइम देना तो मैं तुझे शेयर करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम। हाँ नहीं, हाँ तू सही बोल रहा है, तू सही बोल रहा है, तू बिल्कुल सही बोल रहा है कि वो जो है ना फिर एक रिवीजन हो जाएगा ना, तो अच्छा है, तुझे जो है ना पूरा बैकग्राउंड पता होगा। तो दे मुझे टाइम दे, ठीक है? तो मैंने तेरा मैसेज पढ़ लिया था, असल में मेरी क्लास चल रही है, ठीक है ना दादा? तो मैं देख लेता हूँ, जैसे ही होता है ना मैं तुझे भिजवा दूँ, ठीक है? मरना चलो। अच्छा जी सर, कर लिया? इसी के ही पैसे हैं बेटा, इसी के ही पैसे हैं, इसी के ही पैसे हैं। अभी करवाऊं या कल करें ये सवाल? अभी करना है या कल करें? सुन, हो गए? अच्छा कल, अभी कराए? सर कल करवा दें, सुबहदार लगातार क्लासेस हो रही हैं। अच्छा यार, मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, ताकि तुम लोग सुकून में आ जाओ। जो बच्चों ने एफर्ट किए ना, एटलीस्ट उनका जो है ना वसूली हो जाए। ये देख लो यार, देख लो, ये आंसर है। ये देखो, इतनी खतरनाक शक्ल का है ये सवाल, यही आंसर आ रहा है, ये देख लो, ये आंसर। ठीक है माहिरा मोहम्मद बेटा, ये आंसर है। सही है, तस्वीर लेनी हो तस्वीर भी ले सकते हो इस सवाल की, इस क्वेश्चन की, आंसर की बल्कि। ठीक है चलो, फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मेरे लिए दुआ करना। सही है, जो है अल्लाह ताला मेरी तबीयत स्टेबल रखे।
अल्लाह तुम लोग सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। चलो फिर मुलाकात होती है, ले लो पिक्चर ले लो। हाँ सुबह मैं एक्सप्लेन करूँगा, सुबह मैं लाजमी एक्सप्लेन करूँगा, सुबह लाजमी एक्सप्लेन करूँगा। ये दो तीन बच्चे जो बोल रहे थे ना अभी करवा दें, उनके लिए जो है वो क्या कहते हैं, मैंने जो है ये आंसर खोला हुआ है। मायरा बेटा तस्वीर लेनी हो तस्वीर ले लो, मोहम्मद बेटा तस्वीर लेनी हो तस्वीर ले लो, लव यू टू फराज। चलो अपना ख्याल रखो, अब मैं साइन ऑफ हो रहा हूँ, ठीक है। हाँ एक्सप्लेन करूँगा बेटा, कल एक्सप्लेन करेंगे बेटा। चलो अल्लाह हाफिज़।